हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच होने वाले पहले T20 मैच के लिए एशिया 11 की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ एशिया 11 मैदान पर उतरने वाली है, पूरे विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी एशिया 11 को सपोर्ट करते हो, आपको भी लगता है कि पहला मैच एशिया 11 जीतेगी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000 लाइक का है, तो दोस्तों टीम इंडिया को सपोर्ट जरूर करें और इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच पहला T20 मुकाबला 18 मार्च को खेला जाएगा। यह T20 मुकाबला बांग्लादेश के बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। यह T20 मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। आपको बता दें कि यह T20 मैच आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, और मोबाइल पर देखना है तो हॉट स्टार ऐप डाउनलोड कीजिए ना। दोस्तों जल्द ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित एशिया 11 और वर्ल्ड 11 के बीच मैच खेला जाएगा। जी हाँ, जिसके लिए अब दोनों टीमों की घोषणा हो चुकी है। दोनों ही टीमों में बड़े मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अकेले के दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पहले मैच में एशिया 11 की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। नंबर 1, तमीम इकबाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश टीम के सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल यहाँ भी यही जिम्मेदारी निभाएंगे, जहाँ पर उन्हें टीम के लिए पावर प्ले में तेजी से बल्लेबाजी करनी होगी, जिससे वो अपनी टीम को बड़ा स्कोर की तरफ भेज सकें। हालांकि तमीम को इसके लिए आक्रामक पारी खेलनी होगी, जिससे वो लगातार बड़ा शॉट खेलते रहे। नंबर 2 पर है शिखर धवन। जी हाँ, आपको बता दें कि दोस्तों भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन तमीम का साथ देते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, इस खिलाड़ी को भी मैच में आक्रामक और बड़ी पारी खेलनी होगी, जिससे वो अपनी टीम के जीत में अपना अहम योगदान दे सके। ये खिलाड़ी हालांकि चोट के बाद टीम में वापसी कर रहा है, अब वो अपनी वापसी को शानदार जरूर बनाना चाहेंगे। नंबर 3 पर आते हैं लिटन दास। जी हाँ, बांग्लादेश टीम के बल्लेबाज लिटन दास खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, जो मौजूदा समय में बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। लिटन को पारी को संभालने के साथ ही बड़े शॉट भी खेलने होंगे, जिससे उनकी टीम मैच में बड़े स्कोर की तरफ बढ़ सके। लिटन दास पारी को कैसे चलाना है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नंबर 4 पर आते हैं ऋषभ पंत। जी हाँ, युवा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईपीएल की तरह यहाँ भी नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। इस बल्लेबाज ने हाल में ही बल्ले के साथ रन बनाए हैं, जिसके कारण वो अब यही फॉर्म एशिया 11 के लिए भी दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे वो अपनी टीम को मैच में जीत दिला सकें। नंबर 5 पर आते हैं मुशफिकुर रहीम। जी हाँ, विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में मुशफिकुर रहीम मौजूद रहेंगे, जो अकेले के दम पर मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। हाल के दिनों में बल्ले के साथ वो बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, उन्हें मैच में कैसे फर्क लाना है बहुत अच्छे से पता है, अब वो एशिया 11 के लिए भी यही भूमिका निभाना चाहेंगे। नंबर 6 पर आते हैं थिसारा परेरा। आपको बता दें कि श्रीलंका के ऑलराउंडर खिलाड़ी थिसारा परेरा को नंबर 6 पर खेलने का मौका मिलेगा, जहां से वो मैच में गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आएंगे। हाल के समय में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसे वो इस सीरीज तक भी बरकरार रखने का पूरा प्रयास करेंगे। नंबर 7 पर आते हैं राशिद खान। जी हाँ, स्पिन गेंदबाजी में जिम्मेदारी अफगानिस्तान के खिलाड़ी राशिद खान पर होगी, जो अपनी गेंदबाजी से मैच जिताने की क्षमता रखते हैं।
बल्ले के साथ भी वो हाल के समय में अच्छा करने लगे हैं। आपको बता दें, इसी कारण अब वो एशिया 11 के लिए भी गेंद और बल्ले दोनों के साथ ही जीत में अहम योगदान देने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। नंबर 8 पर आते हैं लसित मलिंगा। आपको बता दें कि दिग्गज तेज गेंदबाज लसित मलिंगा के ऊपर इस मैच के दौरान बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो शुरुआती ओवरों में विकेट लेने के साथ ही डेथ ओवरों में भी उसी तरह से प्रभावी साबित होते हैं। अब आईपीएल के पहले मलिंगा एशिया 11 की टीम के लिए शानदार गेंदबाजी करने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आएंगे। नंबर 9 पर आते हैं कुलदीप यादव। राशिद खान का साथ देने के लिए मैच में भारत के कुलदीप यादव भी मौजूद होंगे, जो अपनी गेंदबाजी से मैच में फर्क डालना जानते हैं। अब इन दोनों की जोड़ी को साथ में देखना बहुत ही शानदार होगा। कुलदीप यादव को बीच के ओवरों में विकेट निकालकर अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाना होगा। नंबर 10 पर आते हैं मुस्तफिजुर। जी हाँ, तेज गेंदबाजी में मलिंगा का साथ देने के लिए मुस्तफिजुर भी मौजूद रहेंगे, जो मौजूदा समय में अब फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। सीमित ओवर फॉर्मेट में इस गेंदबाज का कोई तोड़ नहीं है, जो शुरुआती ओवरों में विकेट लेने के साथ ही डेथ ओवरों में भी उसी तरह से प्रभावी साबित होते हैं। नंबर 11 पर आते हैं संदीप लामी छाने। जी हाँ, नेपाल के स्पिनर संदीप लामी जाने भी इस टीम का हिस्सा होंगे, जो अपने दम पर मैच को बदलने की क्षमता रखते हैं। संदीप मौजूदा समय में बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब एशिया 11 के लिए शानदार गेंदबाजी करके वो विश्व भर को प्रभावित करने का एक और बड़ा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।